Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. सिचुएशन आपके सामने जी, इमरान खान साहब कराची आए हैं और कराची आके वो कहते हैं जनाब इस वक्त उनका फोकस अब से बाद यानी कि कराची जाने के बाद उनका फोकस जो होगा वो सिर्फ कराची पर होगा और कराची पे वो अपनी सारी कंसंट्रेशन रखेंगे। कराची में क्या वो गेन कर सकेंगे या नहीं गेन कर सकेंगे, मेरे ख्याल में पहले मैं पूछ लूँ इमरान इस्माइल साहब से। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नाज बलोच साहबा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। इमरान इस्माइल साहब, व्हाट डू यू सी हैपनिंग इन कराची as far as Imran Khan sahab is concerned? Shukriya Rana ji. Dekhiye, Karachi is waqt badi tezi se halaat Karachi ke badal rahe hain, khas taur se MKM ki jo surat hal hai maujooda usko dekhte hue to maloom ho raha hai ki Karachi jaane wale waqt mein ek bada zabardast kisam ka marka Karachi mein hona hai aur tamam jamaatein apna pura pura effort dalenge. Zahir hai Pakistan Tehreek-e Insaf Karachi mein existence par hai, apni existence rakhti hai, usko badha rahi hai aur puri koshish mein hai ki aane wale waqt mein jo intikhabat aayenge उसमें न सिर्फ अपनी प्रेजेंस बल्कि उसमें एक अच्छा चंक भी कराची से हम उठाएं और कराची वालों को अपने साथ लेकर चलें। उसके लिए हमारी पूरी कोशिशें चल रही है, तंजीम भी हमने अच्छा दिनों को अभी वापस की है और सारे जो पार्टी के स्टालवर्ट्स हैं कराची के वो मिलकर उसको जोर भी लगा रहे हैं। खान साहब भी अपना टाइम दे रहे हैं, जनाब जो आपके पास क्या कैंडिडेट्स होंगे जिनको आप पिच कर सकेंगे यहाँ पे पूरे सिंध में या एटलीस्ट कराची में पीटीआई के कैंडिडेट्स होंगे सूटेबल जो वोटें भी उठा सकें या मासेस में उनकी रूट्स भी हो? देखिए राणा जी, हमने 2013 में कराची में दूसरी सबसे बड़ी जमात के तौर से हम उभरे थे, हमने 8.5-9 लाख के करीब वोट उठाए थे और 11 लाख एमकेएम ने वोट किए थे। और एमकेएम का उस वक्त आपको मालूम है कि वो ठप्पेबाजी भी और चलती है और सारा कुछ होता रहा, उस वक्त उसके बावजूद हमने बड़ी टफ फाइट उसको दी और हर जगह 50,000 से ऊपर हमने वोट दिए सीटों के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम उस तरह की एक और परफॉर्मेंस अब दिखा लें तो अब कोई चांस ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह वोट हमसे छीन के ले जाएगा, हमारी जीती हुई सीटें उठा लेगा। अगर 7-8 लाख वोट पीटीआई कराची में दोबारा गैदर कर लेती है, आई डोंट थिंक इज अ ह्यूज टास्क, तो वो मुझे भी लगता है कि पीटीआई को कोई रोक सकेगा लैंडस्लाइड। नाज बलोच साहब, आप नाज बलोच साहब तो हंस रही हैं, हमें मुस्कुरा रही हैं, आप क्यों मुस्कुरा रही हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राणा साहब, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ, देखिए ये जमहूरी हक है हर पॉलिटिकल पार्टी का कि वो अपनी तंजीम साजी करे, अवाम में निकले, अपनी कंपेन करे, इलेक्शंस की तैयारी करे, लेकिन पीपल्स पार्टी का मुकाबला पीटीआई के साथ बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सिंध के अंदर नहीं मुकाबले में हम गिनते ही नहीं है। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि पूरे सिंध के अंदर इनके पास कोई शख्स है ही नहीं कैंडिडेट के तौर पर। अभी पार्लियामानी कमेटी इनकी बनी है, एक सिंध की हद तक सिंध की पार्लियामानी बोर्ड बनी है जिसमें 11 में से 10 लोग सिर्फ कराची के हैं। सिर्फ एक लियाकत जतोई साहब हैं जो नौजवान हैं, नए नए आए हैं सियासत के अंदर, जो तब्दीली के वादा इन्होंने किया था पीटीआई ने, तो लियाकत जतोई साहब से ये तब्दीली लाना चाहते हैं सिंध के अंदर, वो एक वाहिद शख्स है जिनका ताल्लुक रूरल सिंध से है। तो 10 लोग कराची के बैठ के फैसला करेंगे के घोटकी में टिकट किसको मिलेगा, थरपारकर में किसको मिलेगा, नौशेरों में किसको मिलेगा, उमरकोट में किसको मिलेगा, मोरों में किसको मिलेगा, शहदादकोट में किसको मिलेगा। इनके पास तो कैंडिडेट्स, मीरपुर खास में कैंडिडेट बता देना मुझे, कोई कैंडिडेट ही नहीं है। एक प्रोग्राम में मैं कुछ दिन पहले थी तो यार मोहम्मद रिन साहब पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हुए कह रहे थे कि जी हम विनिंग कैंडिडेट्स लेकर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि जो आपने नारा लगाया 2013 के इंतखाबात में तब्दीली का, चेंज का, नौजवानों का, यूथ का, स्टेटस को तोड़ने का, आज वही पूरा नारा आपने एक साइड पे करके आप विनिंग हॉर्सेस की बात कर रहे हैं, इलेक्टेबल्स की बातें कर रहे हैं। उन्हीं इलेक्टेबल्स को मतलब आप लेकर आ रहे हैं जिनके अपने शख्सियत के वोट हैं। तो मतलब पीटीआई का अपना वोट तो फिर भी वो लेकिन उठा लेगा, पीटीआई के अपने वर्कर्स, अपने ग्रास रूट पे आपका अपना वोटर नहीं है, तो वो नजरिया कहां गया? आज तमाम नैबजदा लोगों को नहीं, देखिए पीटीआई का के पास पॉलिसी नहीं है सिंध के लिए, क्या प्लान है, क्या पैकेज है, क्या पॉलिसी। और फिर दूसरी बात, आपने कहा ना विनिंग कैंडिडेट्स उठाएंगे, विनिंग कैंडिडेट्स तो वोट अपने उठा लेगा, वो भी नहीं उठा पाएंगे क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी ने सिंध में डिलीवर किया, अचीवमेंट्स हैं। आप कंपैरिजन करें, कम ऑन, लेट्स मेक अ कंपैरिजन। सिर्फ किसी को बुरा बुरा बुरा, कौवे को काला काला कौवा है ना, उसको सफेद 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 कहकर कौवा सफेद नहीं हो जाएगा। आप किसी को करप्ट 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 कहने से किसी को करप्ट नहीं बना देंगे। आप क्यों, ग्राउंड रियलिटीज है, ग्राउंड रियलिटीज है।
ग्राउंड रियलिटीज। एक सेकंड इमरान भाई, इमरान भाई एक सेकंड, इमरान भाई एक सेकंड, आप बाद में खुल के हंसिएगा क्योंकि देखिए सेहत की हम बात करते हैं, अगर हॉस्पिटल्स की पहले आप तालीम की बात करें, कॉलेजेस की बात करते हैं। केपीके ने 4 सालों में वादा किया 29 कॉलेजेस का, 2014-15 का बजट था उसमें 11 कॉलेजेस का वादा किया, 15-16 के बजट में 19 कॉलेजेस का वादा किया, एक कॉलेज भी नहीं बन सका 4 सालों के अंदर। यहाँ पे कैडेट कॉलेज नवाबशाह में बनाया, लाड़काना में बनाया गया, नवाबशाह में वुमेन कैडेट कॉलेज, फर्स्ट वुमेन कैडेट कॉलेज है सिंध के अंदर। फिर आप देखें कि यहाँ पे बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी में बनाई गई, यहाँ पे लोग एमबीए की बच्चियां डिग्रियां हासिल कर रही हैं, मुफ्त हासिल कर रही हैं डिग्रियां, तो अचीवमेंट्स हैं। फिर ओपन हार्ट सर्जरीज के, लिवर ट्रांसप्लांट के हॉस्पिटल्स लाड़काना, नवाबशाह, गंबट, मोरो, इन जगहों पे बने, जो कि मेरा ख्याल है मीडिया ने दिखाया नहीं है, इसलिए इमरान इस्माइल साहब को अभी तक उनके बारे में पता नहीं है। कंपेयर करते हैं केपी के साथ, केपी के में आप देखें कि डेंगू जवाब तो देने, डेंगू को तो कवर नहीं कर पाए, डेंगू पे क्या क्या जवाब आया, रेटरिक रेटरिक रेटरिक, तुम बुरे मैं अच्छा, ऐसा नहीं होता। अब डेंगू पे क्या हमें सुनने को मिला जी, क्योंकि सारे अस्पताल बरकी साहब के हवाले कर दिए गए, हम स्काइप पे अमेरिका से बैठ के केपी के अस्पतालों को चला रहे हैं, तो कहा क्या गया जी डेंगू जो है ना वो सर्दियां आएंगी, मौसम अच्छा हो जाएगा और मच्छर मर जाएंगे, लिहाजा डेंगू खत्म हो जाएगा। 3,500 अफराद डेंगू का शिकार हुए केपी के में, और हमें जब सुनने को ये मिला तो आप बताएं कि हेल्थ के रिफॉर्म्स क्या है, तो कंपेरिजन जो है ना पीटीआई ने डिलीवरी का मौका मिला, एंड आई विश, मेरी ख्वाहिश थी क्योंकि मैं उस पार्टी में रही हूँ, काम किया है ग्रास रूट लेवल पे, लेकिन मैं ख्वाहिश करती थी कि ये डिलीवर कर जाएं, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए, तो इमरान साहब हैं, तो अगले आप इलेक्शन में क्या बोलेंगे आवाम को कि हमने क्या किया, सिर्फ नारे लगाए? Are you buying all this, whatever nonsense? मैं सिर्फ इस बात पे, ये तो नाज की तो अपनी स्टडी अपनी जगह है, लेकिन मैं तो इससे इस बात पे हज रहा हूँ कि कल तक जो यहाँ हमारे साथ बैठ के पीपल्स पार्टी वाले कह रही है, पहले मैं यही कहती थी ना चोर है, मैं इनकी आपको 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा देता हूँ, ऐसी ऐसी क्या वहाँ जादूगरी हो गई कि आज वहाँ सारे साहूकार हो गए और सारे चोर पीटीआई में आ गए। मुझे बताएं क्या ये वो भूल गए कि 91 अरब रुपया लाड़काना के अंदर लगाने की कोशिश की गई, इन्होंने खा गए 91 अरब का नहीं है मेरे ख्याल 27 अरब का है, नहीं 91 अरब रुपए का बजट इन्होंने लड़काना को पेरिस बनाने के लिए अलॉट करवाया था, वो खा गए, वो कोई शख्स कोर्ट गया, अल्लाह मियां नहीं करो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें हकीकत, जब कोई शख्स कोर्ट गया और कोर्ट ने ये वहां से कहा कि जी टाइम भी जो है वो साफ घर छोड़ के डस्ती है, लड़काना तो आपका अपना घर था, इसको खा गया, आप हिसाब किताब नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं उसका, इन्होंने तो कमीशन गिरी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज किए नहीं, ये तो थाना तक हफ्तेवार महीनेवार एसपी का तबादला हो, किसी का ट्रांसफर हो, शर्जील मेमन, इनाम मेमन जैसे लोग पीपुल्स पार्टी को लीड कर रहे हैं, नाज मुझे बता रही है कि कितनी अच्छी पार्टी है पीपुल्स पार्टी, आपको अच्छी लगती है, आपको मुबारक हो, आप करें अपना काम, आप समझती है कि आपने बड़ी तरक्की कर दी, कराची को कचरे का ढला का ढेर बना दिया आपने, यहाँ पे गटर के अंदर पीने का पानी मिला हुआ है, यहाँ पे कमीशन लिए बगैर ना आसिफ अली जरदारी ना अद्दी फरियाल तारपुर हिलती है, ना बाजार वजीरों से कमीशन लिए जाते हैं, सारी को कलेक्टर बनाया हुआ है, यहाँ पे कौन सा काम बगैर ना आसिफ अली जरदारी, यहाँ पे जो बल्दियात का वजीर थे, ये इल्जाम लगा के टैंकर कितने का बेचना है, नहीं देखिए ये जो बात है ना, ये जो बात है देखे, और हम यहाँ बैठ के रिटाई के साथ उनको डिफेंड करें कि नहीं जी वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, कितने में कितने अस्पताल बने, मेयर कराची, मेयर कराची आपके दोस्त हैं, मेयर कराची आपके दोस्त हैं, आप उनके साथ चाय भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, आप करें, आप अपनी बारी में बात करना, मैंने तुम्हारी बात बड़ी तामल से सुनी है, जो जो तुमने कहा पूरा सुना, मैंने अब सुन लो, केपीके के अस्पताल वर्ल्ड स्टैंडर्ड अस्पताल बन चुके हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट हॉस्पिटल इन पाकिस्तान, हमारे पास जो स्कूल हैं, हमारे स्कूल जो हैं वहाँ 1.5 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला लिया, मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ 1.5 लाख पेरेंट्स जिनके बच्चे आईडी कार्ड के साथ, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में गए हैं, आप डेढ़ बच्चे गिनवा दें, सबसे बड़ा डेढ़ बच्चे गिनवा दें, माइक्रो हाइड्रेट पावर जवाब को हमने लगा है, दिया आप उनको जरा काम के अलावा पैसे खाने के, कराची के अंदर हर साल आप 20-25 अरब रुपए का लगाते हैं, क्यों लगाते हैं मुझे बताएं, क्यों लग रहा है पैसा, ये 2 किलोमीटर की सड़क बनाई तारिक रोड की, उसके ऊपर करोड़ों रुपए खा कर 15 दिन में सड़क बैठ गई, बड़े फैनफेयर के साथ आपने जाके वॉक किया था, अपना शहर है ना तुम्हारा, अपना शहर
मेरा शहर मैं जवाब देना मेरे सामने कर रही हो कोई तो ऐसे खुदा का खौफ करो। खौफ खुदा है अल्हम्दुलिल्लाह, खौफ खुदा है, अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह से हमेशा डरते रहेंगे। मेरी बात सुने, मुझे जवाब देने का मौका दें। अभी इन्होंने कहा कि 1.5 लाख बच्चे स्कूलों के अंदर जो है प्राइवेट से, ये रेटरिक है, फिर रेटरिक है। बात सुनने ना, 15 लाख बच्चे राणा साहब, 15 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 15 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, फिक्र करेंगे 15 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर। फिर एक सेकंड, होल्ड ऑन, आप सवाल का जवाब, इनमें कितने स्कूल से प्राइवेट स्कूलों से छूट गए, 15 लाख बच्चे स्कूल से बाहर। केपीके में 27 अरब की बेजाबतगी हुई है, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, आप औरों पे करप्शन के इल्जाम लगाते हैं, 27 अरब की, 27 अरब की बेजाबतगी, ऑडिटर जनरल कह रहा है। आपके पास बात होती नहीं होती है, आप सिर्फ एक लेबल लगा देते हैं, करप्शन करप्शन करप्शन। आप लोग गाने गाते रह जाएंगे, आप लोग गाने गाते रह जाएंगे, इंशाल्लाह इस दफा पीपल्स पार्टी हुकूमत बना के दिखाएगी आपको। आपके तो दोस्त हैं, आपके तो मेयर दोस्त हैं कराची के, बोले उनको कचरा सफाई के लिए, आप तो चाय पीते हैं मेयर के साथ, एमक्यूएम से तो दोस्ती हो गई है आप लोगों की, जिस एमक्यूएम को आप गालियां देते थे आज एमक्यूएम से आपकी दोस्ती हो गई है, आपकी तो एमक्यूएम से दोस्ती हो गई है ना, आप जिनको गालियां देते थे उनको पूछे मेयर कराची उनका है, कचरा क्यों नहीं उठा रहे, सफाई क्यों नहीं कर रहे, लेकिन आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी दोस्ती है उनके साथ, आपकी दोस्ती है उनके साथ, तो आप उन्हें बोले ना मेयर कराची का कचरा उठा। फिर आप बताएं, आपने कहा केपीके की, आपने पंजाब में मेट्रो को तनकीद का निशाना बनाया, फिर आपने कहा कि 4 अरब में मेट्रो हम बना के देंगे, आज आप वही मेट्रो 48 अरब में बना के दे रहे हैं। केपीके के अंदर एहतसाब कमीशन का चेयरमैन 17 माह से नहीं है, आप लीड बाय एग्जांपल करें ना, एहतसाब कमीशन का चेयरमैन तो आफ्ताब शेरपाव, आफ्ताब शेरपाव को आप 6 महीने में कहते करप्ट है, 6 महीने बाद वो साफ शेफाफ हो जाता है, फिर 6 महीने आफ्ताब शेरपाव करप्ट हो जाता है, फिर वो अच्छा हो जाता है। आपके वजीर और मुशीर खुद कह रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि केपीके में जितनी करप्शन है उतनी पंजाब में पीपल्स पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। फिर मेरी बात सुनिए, फिर सिंध में क्या सिचुएशन है, सिंध में खुद इन्होंने एडमिट किया, राणा साहब इन्होंने खुद एडमिट किया है, खान साहब ने खुद एडमिट किया है कि मैंने कराची को टाइम नहीं दिया, मैंने सिंध को टाइम नहीं दिया और केपीके में परफॉर्मेंस पुअर रही है। खुद खान साहब कह चुके हैं कि हमारे पास डिलीवरी नहीं हुई है, हमें अफसोस है कि अच्छे कैंडिडेट्स नहीं थे। ये खान साहब खुद कह चुके हैं, मैं थोड़ी कह रही हूँ, ये तो उन्होंने खुद कहा कि एक्सपेरिमेंट हुआ है केपीके के साथ। अब आप औरों के ऊपर झूठे इल्जाम लगा दें, सिंध में आए तो फरियाल डाकू के ऊपर इल्जाम लगा दें, सरदार साहब के ऊपर इल्जाम लगा दें, इल्जाम से नहीं, इल्जाम दर इल्जाम दर इल्जाम, हम एक्शन करें, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वैसे वैसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ दोनों से, दोनों दोनों से दोनों से एक सवाल का जवाब दे दो कि झूठ क्या है, नहीं झूठ क्या, अच्छा नहीं नहीं एक मिनट, झूठ क्या है क्या नहीं, मेरी बात सुने इमरान साहब, कमीशन नहीं पहुंचती डेंगी, इमरान साहब मेंबर, इमरान साहब चीफ मिनिस्टर को घुमाना है साहब, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हर चीज, हर काम, हर हर चीज पैसे के बगैर हो जाती है। अच्छा इमरान साहब एक मेरी दोनों से, एक मेरी दोनों से, अपनी सीट के लिए उसके बाद होता ही है सारे दूसरी पार्टी, तुम गई एक सीट के लिए, एक सीट के पीछे तुम गई हो पार्टी, कोई नहीं एक सीट के पीछे गया, नहीं 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 नहीं, एक सीट के पीछे जाने वाली मैं नहीं हूँ, मैं एक सीट के पीछे जाने वाली नहीं, मुझे सीट के पीछे जाना होता 2013 में चली जाती, मैं एक सबक पीपल्स पार्टी की वजीर की बेटी हूँ, मैं पीपल्स पार्टी के सबक मिनिस्टर की बेटी हूँ। आप इशू पे बात करें, आप इशू पे, आपने कहा पीटीआई ने कहा स्टेटस को तोड़ेंगे, आज मुशर्रफ के वजीरों को लाके आप ड्राई क्लीन करके ला रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर अगर कोई लोग थे उनको ड्राई क्लीन करके आप, जिस पे नैब के इल्जाम है सबको ड्राई क्लीन करने की मशीन बना दिया पीटीआई ने, तुम क्या करने गई हो वहाँ पे ड्राई क्लीन होने गई हो, आपके वजीरों ने नहीं, मैं क्या कर, मैंने क्या लिया, मैंने क्या करने गई हो, मुझे बताओ क्या, खिदमत करने गई हो, मैंने देखा कि जो नौजवानों से वादा हुआ, आपकी पार्टी में तो औरतों की जगह ही नहीं है, आपकी पार्टी में औरतों की जगह नहीं है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर 11 में से 1 आपकी सेंट्रल कमेटी के अंदर एक भी खाता नहीं है, आप
अब देखिए ना, अगर आप इल्जाम की बात करेंगे, जस्टिस मजीद ने आप इल्जाम लगाए, अगर एस बाबर रोज इल्जाम लगा रहे हैं, कीचड़ उछाले। अच्छा, मेरा भी एक छोटा सा सवाल है इमरान साहब, आप तो मेरे ऊपर आ गए ना। अच्छा इमरान साहब, एक छोटा सा सवाल है इमरान साहब, इमरान साहब, इमरान साहब, मेरा दोनों से नाज आपसे भी और इमरान साहब आपसे भी एक छोटा सा सवाल है। सिंपल सी बात मुझे बता दें, देखिए करप्शन अगर नजर आ रही है आपको और आवाजें भी उठती है करप्शन की कराची में, सिंध में, तो इसका एक हल है ना, इसका हल ये है कि उसको प्रूफ्स के साथ उसको नथी करें और सीधा जाके कोर्ट्स खुली उनको जाके पेश कर दिए जाए सारे सबूत, जो भी करप्शन कर रहा है उसको अंदर करें। सेम गोज फॉर लाइक नाज आपके लिए, आप जो एलिगेशन लगा रही है केपीके के लिए, आपके पास प्रूफ है तो आप भी अदालतों में चले। तो कह रही हूँ कि 17 महीने से एहतसाब कमीशन का चेयरमैन नहीं लगाया है इन्होंने, करप्शन को एरेडिकेट करने की बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि हम लोगों का पैसा वापस लाएंगे, पहले आपके आप बताइए, चले छोड़ दें, आपकी पार्टी के अंदर जहांगीर तरीन साहब की 13 एकड़ की यूके में प्रॉपर्टी बरामद हुई है, मुझे बताएं कौन सा बंदा हक हलाल की कमाई से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाएगा। इमरान इस्माइल साहब, आपकी तो नहीं हो सकती इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बरतानिया में, 18,000 एकड़ नहीं सुने, 18,500 एकड़ ऐसा लग रहा है किसी के घर में घरेलू झगड़ा चल रहा है। नहीं नहीं, आप बात करो ना, सुनने का हौसला पैदा करें। 18,500 एकड़ इमरान इस्माइल मुझे ये बता दे, 18,500 एकड़ जमीन आपकी क्यों नहीं हो सकती? होगी तो बताऊंगा, क्योंकि आप मुशर्रफ के दौर में वजीर नहीं थे। आप बताएंगे तो बताऊंगा मैं आपको, आप इसका जवाब दें। 18,000 एकड़ शुरू पंजाब। अच्छा, चलो इमरान साहब को बोलने दे ना। जी इमरान साहब, आप लोग क्लीन है भाई, आप लोग क्लीन है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चले बताइए जी। जी भाईजान, बात ये है कि 18,500 एकड़ जमीन उनकी कैसे आई है, कैसे नहीं आई, उन्होंने डिक्लेयर की हुई टैक्स में कैसे बनाई उसके जरिए भी बताया हुआ है। आपको पसंद आए ना आए तेल ले यार, मुझे तो ये बताएं, आपने तो सुने मैंने डिक्लेयर नहीं किया, उसने तो अपना 18,500 एकड़ का जो मकान है जो भी है वो डिक्लेयर किया हुआ है, कैसे बनाए पैसे वो भी डिक्लेयर किया हुआ है, कोर्ट मानती है नहीं मानती। आप तो कहते हैं सुने मैल हमारा ही नहीं, स्विट्जरलैंड से जो पेपर भर भर के गाड़ियां निकाल के ले गए थे ये, उसका क्या हुआ? पेपर ले गए थे उसका क्या हुआ? ये सारी चीजें जो शुगर मिल्स पे कब्जे किए हैं, यहाँ पे जरदारी साहब ने कब्जे करवाए शुगर मिल्स पे सिंध के अंदर बगैर बलोच से, जीजीआईटी की रिपोर्टें आ रही है, सारी झूठी रिपोर्टें किसने पढ़ा दी आपको? ये तो कब्जा माफिया है, झूठी रिपोर्ट किसने पढ़ा दी? जीआईटी की रिपोर्ट पढ़ी है आपने इमरान साहब? इमरान साहब के पागे के इमरान साहब, वो जीआईटी की रिपोर्ट आपने पढ़ी है इमरान साहब? वो जीआईटी की रिपोर्ट आपने पढ़ी है जिसके ऊपर सबके साइन हुए हुए? जी पढ़ी है। हाँ, उसमें नहीं लिखा है, उसमें नाम लिखा हुआ है किसी का, मतलब किसी के बंदे का नाम लिखा हुआ? पब्लिक खोले थे ना अभी, जो नई जीआईटी की रिपोर्ट अंदर कोर्ट में पड़ी है जिसके लिए अली रोज कोर्ट जा रहा है। हाँ। वो पब्लिक खोले थे, नाम लिखे हुए हैं सामने, आपका झूठ सच वैसे तो आ गई है बाहर, लेकिन ऑफिशियली कोर्ट से बाहर लेट दैट रिपोर्ट कम, ठीक है ना, फिर उसके बाद बात करेंगे ना उस रिपोर्ट पे। नई रिपोर्ट बना दी पहले का तो मुझे बता दें, कोई जिक्र नहीं है जीआईटी में, कोई जिक्र नहीं है। कितने आप मुझे सर जी, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि इनके पास आसिफ अली जरदारी का जरिया आमदनी है क्या, मुझे बताएं। 150 एकड़ जमीन भी इनके पास आ गया, 4 साल बाद आसिफ जरदारी साहब याद आए आपको? 4 साल तक तो आप नाराज थे जिसके ऊपर आपका सारा नजर झुका हुआ था, अब आपको जरदारी साहब अचानक याद आ गए। उनको नुकसान पहुंचाने के प्रोजेक्ट में पैसे खाने के लिए तो जरदारी साहब आपको बहुत अच्छे लगते थे, पूरे पूरे के पूरे सूबे को यार। धरने में तो आपको जरदारी साहब का वक्त दौरे हुकूमत बहुत अच्छा लगता था, अचानक जरदारी साहब बुरे हो गए, कभी अच्छा नहीं लगता था, नजर आ गया ना, कभी अच्छा नहीं लगता था, कोई वक्त बता दो जब हमने कहा जरदारी साहब दौरे अच्छा लगता था, हम तुम्हारी पार्टी में आ गई है, सीटें जीत रही है, कराची में बाय इलेक्शन आप हार गए, इरफान अल्लाह मरवत के साथ आपको मिलकर इलेक्शन लड़ना पड़ा, वो भी आप 4,000 वोट लेके हार गए, पहले कर रहे थे वो आज भी कर रहे हैं, बाय बाय नहीं जाओ, इरफान अल्लाह मरवत के साथ मिलकर 4,000 वोट लिए आपने, वहाँ लाखों वोट लेते थे, वहाँ 100 वोट ले रहे हैं, बदल गई है, हम वही खड़े जाते हैं। इमरान इस्माइल, यू लॉस्ट इट बिग टाइम, मुझे आपकी तब्दीली कैसे लाएंगे इमरान इस्माइल? वेरी सिंपल,
सारे मुशर्रफ के दौर के वजीरों को, काफ लीग के वजीरों को लेकर, नायब सदा लोगों को लेकर आप कैसे तकलीफ उठाएंगे? मुझे भी बड़ा अफसोस है, मुझे अफसोस है। आपके लेफ्ट राइट लोगों का एहतसाब शुरू होना चाहिए, मुझे भी अफसोस है बहुत। एक सीट के लिए, एक यही तो बात है कि आपने वजीर आजम बनने के लिए, एक वजीर आजम बनने के लिए, मैं तो सीट के लिए ना, मैं तो सीट के लिए, आप तो वजीर आजम बनने के लिए, नाज के पास तो कोई सीट नहीं है वैसे, नहीं कंफर्म होगी ना, आगे रिजर्व सीट मांगी थी ना इन्होंने, वो मैं कंफर्म होगी नहीं होगी। इमरान के पास यही तो सवाल है, इमरान भाई की दुआ है, लेकिन इमरान साहब इसके पास तो, नाज के पास तो कोई सीट नहीं है। मेरी दुआ है कि तुम्हें सीट मिले, ताकि कुछ पीपल्स पार्टी में सीट एलिमेंट अंदर आए, तुम्हारी कुछ तो ट्रेनिंग भी क्या नहीं हुई इमरान साहब के साथ, वजीर आजम बनने के लिए सारे काफ लीग, नून लीग, जीम लीग के पुराने वजीर एंड नायब ज्यादा लोगों को आप शामिल कर रहे हैं, नया तमाम पाकिस्तान ला रहे हैं। मेरे ख्याल में आगे थोड़ा सा चले कि नहीं चले, वो सब गंदे लोग हैं। अच्छा, यूथ कितना है आपकी पार्टी में, मुझे बताएं कौन से यूथ को आपने आगे किया है? पूरी पीपल्स पार्टी आ गई, हमारी सीसी में 30% यूथ है, हमारी सीसी में 30% यूथ है, हमारे जो टिकट होते हैं 2013 में जब हमने टिकट दिए, तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है 2013 में जब हमने टिकट दिए 48% हमने यूथ को दिए, जिन्होंने 70% वो लोग थे जिन्होंने पहली दफा इलेक्शन लड़ा, 70% वो लोग थे जिन्होंने, तुम कैसे कह सकते हो वोट ये कभी होती है? गुलामी कैसे थे, कोई पीपल्स पार्टी में आ गया, जाना शुरू हो गए सारे, या पिलावल के पीछे चलना शुरू कर दिया, कोई तमाचा लग गया, हुआ क्या है? पलट के तो देखें, आपका यूथ सारा भाग गया है छोड़ के, आप पलट के नहीं देखते, इग्नोर हो गया, आपने इग्नोर किया, आपने खवाते अलट पलट के नहीं देखते, एक ही तरह देखते हैं, हमारी डायरेक्शन। इमरान साहब मुझे एक मिनट, इमरान साहब ठीक, मुझे एक क्वेश्चन करने दें, आप दोनों ने बहुत झगड़ा कर दिया, वैसे बड़ा अच्छा आपने एक बीच में एक लुकमा डाला था इमरान साहब, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं किसी घर में कोई लड़ रहे हो बंदे को, ये इमरान भाई की आदत है एक्चुअली, आजकल नए गुलकार बने हुए, आजकल नए गुलकार बने हुए, तो जोश में आके कौन सी गुलकारी कर रहे हैं आप इनसे गाना गवा लेते हैं अच्छा सा? नहीं, राणा साहब, हाँ जी सर, मुझे अगर आप इजाजत है वो दूसरे स्टैंडर्ड वाले जी, जी जरूर जरूर, मुझे आपकी इजाजत, आपको इजाजत दी जाती है जी, बिल्कुल, वेरी सॉरी सर, नहीं नहीं नो इश्यूज जी, आप जाए, बहुत शुक्रिया आपका। आपने लड़ाइयां करा दी, मैंने कौन सी लड़ाई करा दी, आप लोग ब्रेक नहीं लगाते, आप लोग तो ऐसे लड़ते हैं जैसे पता नहीं घर में साफ लोग लड़ रही होती है। राजा साहब देखें, बात हकीकत है, मैं खुद उस पार्टी में रही हूँ इतना अरसा, जो नौजवानों का वादा किया, जो खवातीन का वादा किया, जो नए पाकिस्तान की जो वादे किए, क्या वो नया पाकिस्तान दूसरी पार्टी के टर्न कोर्ट और नैब ज्यादा लोगों को साथ शामिल करके वजीर आजम बनने का नाम है? ऑफकोर्स नहीं है। इसीलिए जो कराची का यूथ था, नौजवान तक के कराची से केपी तक बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई को छोड़ के जा चुका है, आप खुद देखिए अभी मेंबरशिप कैंपेन हुई है तो जहां करोड़ों पे मेंबरशिप होती थी वहां पे एक लाख पे भी नहीं पहुंची इस दफा, और इलेक्शन के रिजल्ट आप देखें, बाय इलेक्शन में जहां लाखों वोट पड़ते थे वहां 4000 वोट पड़े हैं कराची के अंदर पीटीआई को, बिकॉज पीटीआई डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर, तवज्जो नहीं है, सिर्फ रेटरिक्स है, रेटरिक नारे लगाओ, गालियां दो, दूसरों पे इल्जाम लगाओ। ये पीटीआई जो स्टार्ट हुई थी मेरा ख्याल है अपने डेविएट कर गई है अपने उस रास्ते से, जो नजरिया नौजवानों को दिया, जो खवातीन को दिया, बड़ी तादाद में लोग आए थे धरनों में। अच्छा, अब आप ये देखें कि धरने किस बेसिस पे हुए थे, 126 दिनों का धरना, इशू क्या था? लेकिन मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, किस बेसिस पे थे? बेसिस तो चले जो रिग्ड इलेक्शंस के ऊपर, रिग्ड इलेक्शंस पे 4 सीटें खोली थी, आप ये देखें कि आप केपीके में बाय इलेक्शंस हुए हैं और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही हैं, जो ठप्पे लग रहे हैं, जो पुलिस को इस्तेमाल करके ठप्पे लगाए जा रहे हैं, वीडियो फुटेजेस मौजूद है, तो फिर आप मुझे बताएं कि आपने 126 दिन, हम सबको पूरी पार्टी के लोग थे, मैं खुद उसमें शामिल थी, 126 दिन कराची से उठ के हमने इस्लामाबाद में धरना दिया कि रिगिंग नहीं होनी चाहिए, आज केपीके में फिर रिगिंग हो रही है, तो फिर आप मुझे बताएं, आपको तो मुझे बताएं, अदर देन ऑल दीस थिंग्स जो आपने डिस्क्राइब किए हैं कि जनाब रिगिंग हो रही है, ठप्पे लग रहे हैं, ऑल द स्टफ, तो फिर आप जाएं कोर्ट में क्यों नहीं जाते आप लोग? मिलते एक बात नहीं समझ आती, आप भी इल्जाम लगा रही है, नहीं मैं तो मैं तो लगा तो आप दूसरे इल्जाम लगाने के बजाय हम तो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस निकालते हैं, हम पार्लियामेंट की इम्पोर्टेंस को जानते हुए हर बात को पार्लियामेंट तक लेकर, कोर्ट भी तो पाकिस्तान की है, हम कोर्ट्स में जाएंगे एंड वी विल गो, बिकॉज़ अभी दो दिन पहले फुटेजेस आई हैं एंड पीपल्स पार्टी विल टेक एक्शन ऑन इट, हम जाएंगे कोर्ट्स में क्योंकि ये नाइंसाफी है। आपने 126 दिन लोगों को कहा जी धांधली नहीं होनी चाहिए, खुद केपी में धांधली हो रही है,
तो ये सारे मामलात हैं और पूरे हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है उसे बरकी साहब स्काइप पे बैठ के देख रहे होते हैं। आप मुझे बताएं क्या नया पाकिस्तान इस तरह से बनाएंगे हम? अभी 30 डॉक्टर्स, जाली डॉक्टर्स जो है वो लेडी रीडिंग और हयातबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से पकड़े गए 4 दिन पहले। आप मुझे बताएं नया पाकिस्तान 4 साल के बाद, पता नहीं कितने सालों से वो जाली डॉक्टर्स लोगों को देख रहे थे। तो ये इश्यूज हैं, ग्राउंड रियलिटीज हैं, डेवलपमेंट। अली साहब को ले लें, अली साहब से बात। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का करम। आप देखें यहाँ पे नाज बलोच साहबा बैठी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे अभी एक बहुत झगड़ा हो चुका है, ठीक है, इमरान इस्माइल का और नाज बलोच का, ठीक है, और यहाँ पे जमात की वो छाड़ हो चुकी है। ऐसे लगता था जैसे किसी के सास बहू का झगड़ा नहीं हो रहा, वैसे हो रहा था। नाउ व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ऑल दिस थिंग्स? 8.5 लाख वोट मिला इमरान खान साहब को, वो भी कराची से लोग बाहर निकले वोट दिए, और अब इमरान साहब फिर आए हैं वापस। डू यू थिंक कि फिर उनको वही वोट मिल सकेगा, उतने ही तादाद में वोट मिल सकेगा? कैन विल ही एबल टू डिलीवर जी? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक अला सय्यदिना मोहम्मद। देखिए मैं तो अपनी बात करूंगा, मुझे नहीं पता मेरे से पहले क्या बात हुई है, लेकिन मैं ये जरूर करूंगा कि आज 30 अक्टूबर है 2017। 30 अक्टूबर 2011 को तहरीक इंसाफ का अजीम शान जलसा हुआ था लाहौर में। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद तहरीक इंसाफ ने अपनी मेहनत की है, हमने एक सूबे में हुकूमत अल्लाह की फजल से बनाई है और अपोजिशन की है। सिर्फ एक जमात ने अपोजिशन की है, बाकी सब ने मुकमुका किया है। मुझे एक चीज का पता है, जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है मैं उनके साथ नहीं हूं। जो पाकिस्तान को लूटने वालों के खिलाफ है उसका नाम इमरान खान है, मैं उसके साथ हूं, मुझे इतना पता है। बाकी मुकम्मल हस्ती सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। हम में भी गलतियां हैं और हम में होंगी, लाजमन होनी चाहिए, हम उसको ठीक करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि द ओनली ऑप्शन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एट द मोमेंट इज इमरान खान एंड तहरीक इंसाफ। कराची जहां कत्ल गारत होती थी, जहां बुरी बद लाशें मिलती थी, जहां लोगों को मारा जाता था, जहां सेक्टर कमांडर एक जमात के वो ही वहां कराची को रूल करते थे, उस जमाने में जब कोई मीडिया पे उफ तक नहीं कर सकता था, मेरा लीडर इमरान खान के खिलाफ खड़ा हुआ और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि लंदन तक गया। वो सब नाम निहाद लोग जो आज सिंह की करता भरता है वो खामोश रहे। उनको खूब पता था कि ये लोग कातिल हैं, ये लोग यहाँ पे कतल मुकाबला करते हैं। 12 मई में लोगों को मारा, बल्दिया टाउन में लोगों को जिंदा जलाया, उसके बावजूद इन लोगों ने सिंह की जो इस हुकूमत है जिस जमात की, उन लोगों ने इन कातिलों को अच्छा चले उसमें तो बहुत उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज का भी बड़ा हाथ है, उसमें आर्मी का भी बड़ा हाथ है, वो सारी चीजें। आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रही नाज बलोच, उस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रही जिस एमकेएम की बात हो रही है, मुझे अच्छी तरह याद है बल्दिया टाउन का मामला हो या जो भी इशूज हो उसके ऊपर हमेशा फोरफ्रंट में कराची में रहते हुए आवाज उठाने की जरूरत हमने की। खान साहब कहते थे बिल्कुल, लेकिन वो इस्लामाबाद में बैठ के बात करते थे, मैं तो कराची में बैठकर बगैर किसी सिक्योरिटी के इतनी सारी बातें हम लोग कर रहे होते थे। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस बात को देखें कि आज उसी एमकेएम के साथ गले मिला के दोस्ती भी आप लोगों ने कर ली, आज अपने सारे वोटर्स को और मैंडेट होल्डर्स को नाराज कर दिया, वही एमकेएम जिसके ऊपर ज़ारा आपा के कत्ल का इल्जाम लगाया था पीटीआई ने, आज उसी एमकेएम के साथ शेक हैंड करके सिर्फ एक अपोजिशन लीडर के लिए, और वो भी अपोजिशन लीडर बहुत अच्छा होता कि मेरे भाई हैं अली मोहम्मद खान, मैं इनकी इज्जत करती हूँ, यंग है, नौजवान है, इनको बना देते अपोजिशन लीडर का नाम, वो भी बना के नया चेंज तब्दीली शेख रशीद के नाम पे तब्दीली आ रही है, नौजवानों का पाकिस्तान वो बनाएंगे, उनको अपोजिशन लीडर का कैंडिडेट पीटीआई ने बनाया। तो इज दिस द तब्दीली दैट यू प्रॉमिस टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान, टू द वुमन ऑफ पाकिस्तान हू स्टड विद यू ऑल द टाइम? तो ये सारी चीजें हैं और बात ये है कि यू नीड टू हैव अ पैकेज। अली भाई मेरी बात सुने, यू नीड टू हैव अ पैकेज। आप बातें सिंध की करते हैं, अगर आप कराची की बात 5 साल में आपको एक दफा याद आ गया, अच्छी बात है, आए सियासत करें, बट यू नीड टू हैव अ पैकेज जैसे हमने किया। आपके पास पॉलिसी क्या है? रिस्पॉन्ड टू दिस वन जी। देखिए राम साहब आप अपना सवाल कीजिए, मेरी बहन है, इन्होंने इमरान खान के बदले जरदारी साहब को पसंद किया है कि वो पाकिस्तान की किस्मत की जो है किस्मत को बेहतर लाइन पे लेके जाएंगे। इनकी इनकी चॉइस है, मैं उस पर क्यों कमेंट करूं? ये आज इमरान खान को या हमारी जमात को अच्छा नहीं समझती, गजारी साहब को बेहतर समझती, मैं क्यों कमेंट करूं? मैं आप अपनी राय दे रहा हूं कि मैं क्यों इमरान खान के साथ हूं। अच्छा चले, इसलिए इमरान खान के साथ हूं कि मेरे लीडर ने मेरा लीडर 10% नहीं है। इमरान खान जो है, इमरान खान ने पाकिस्तान को नहीं लूटा, तबाह नहीं किया। देखिए जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, टैक्स एवेडर्स हैं वो, आज खान साहब की लेफ्ट और राइट है अली भाई। अगर मुझे इमरान खान टिकट दे, 12,000 एकड़ में
आपके पास लीडरों के? एमएनए बनने के लिए इमरान खान बर्तानिया में 3 एकड़ की प्रॉपर्टी है और आप गरीबों की बात कर रहे हैं। चाहे मुझे टिकट मिले, आप गरीबों की बात कर रहे हैं, पहले अपनी पार्टी में एहतसाब करें, नैब जमा लोगों को लेफ्ट राइट रखा हुआ है, एहतसाब करें, मुसलमानों को प्रमोट करें। आपके कहने से 10% नहीं हो जाता, आप अपनी पार्टी में तब्दीली लाए, पहले विद इन द पार्टी तब्दीली लाए। सिंपल सी बात है, इट्स योर कॉल, इट्स योर चॉइस, आप अपनी चॉइस से अपनी, दैट वाज योर कॉल, यू केम टू लाइक पीपल्स पार्टी, बट ये विद इन द पार्टी यू हैव पॉइंट ऑफ व्यू। नाज बलोच साहबा और अली साहब, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप सिर्फ सीट के लिए आए, सीट के लिए नहीं आए पीटीआई में, आपके ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट, एंड ठीक है आप दोनों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप लोग सब एक जमात में। मैं सिर्फ जाते 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 सिर्फ एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, अगर करप्शन की बातें होती है, चाहे वो किसी जगह पे भी है करप्शन, तो करप्शन एक व्हाइट कॉलर क्राइम है, इशू है, उसको प्रूफ करना इज अ बिग टाइम थिंग, इज अ बिग इशू, उस व्हाइट कॉलर क्राइम को प्रूफ करना, अगर प्रूफ किया जा सकता है तो अदालतें खुली है, वहां पे जाएं इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग फॉर द ब्लेम गेम। जी अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। नाज बलोच साहबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बस यही मैं कहना चाहता था। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।